ये है मेरा चेलवा साहब, सब काम कर रहे हैं अभी, झंडू बम साहब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजीव, स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कि सिलाई का फैक्ट्री कैसा होता है और उस फैक्ट्री के अंदर क्या क्या बनता है, कैसे काम होता है। ये चीज़ सबके मन में होगा कि इतना कपड़ा कहाँ से बनता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और चैनल में नया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू ब्लॉग की अपडेट्स सबसे पहले आप देख पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो गाइस, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ। दिखाऊंगा उस फैक्ट्री में कैसे काम होता है, क्या क्या बनता है, सारा कुछ डिटेल्स में होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें यार, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ऐसा ही नए नए ब्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो निकल गए हैं हम, तीनों बंदे जाएंगे, दो बंदे वो है और मैं पीछे बैठ जाऊंगा, वीडियो करूंगा पीछे से। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. पैदल जाने में लगभग आधा घंटा लग जाता है, 25 से 30 मिनट। तो काफ़ी दूर हम लोग काम करते हैं इस फैक्ट्री में। तो आज ठेकेदार का गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ इसीलिए तो लेके आया हूँ। तो कंटिन्यू बने रहे, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। no, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. तो गाइस, तो बस आ चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है रास्ता, करीब में है फैक्ट्री बगल में। और ये रास्ता जो है बहुत ही छीन छपट होता है, यहाँ पर अकेले चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। बंदे सब के गर्दन में चाकू लगा देते हैं, मोबाइल पैसे वैसे सब छीन देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान चलना पड़ता है। तो आप लोग भी लुधियाना से हैं तो इस रास्ते में थोड़ा रिलैक्स होकर चलना है, थोड़ा होशियार बन के चलना है। तो कंटिन्यू बने रहे, बस पहुँचने वाले हैं फैक्ट्री। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. तो गाइस, हम लोग आ गए हैं फैक्ट्री, आप देख सकते हैं हम लोग फैक्ट्री से बाहर हैं। और ये है हम लोगों का फैक्ट्री, दिखाता हूँ मैं फैक्ट्री को। ये है पूरा फैक्ट्री हम लोगों का, इसके अंदर हम लोग काम करते हैं। तो चलता हूँ इस फैक्ट्री के अंदर और दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे इस फैक्ट्री के अंदर काम होता है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलता हूँ इस फैक्ट्री के अंदर, ये है पौड़ी, इसके ऊपर चलना पड़ता है, दूसरी मंजिल में हम लोग काम करते हैं। तो ये पूरा माल बना हुआ है, अभी पैकेज है फुल, ये अब जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, डिस्पैच जाएगा यहाँ से, फिर खाली होगा फैक्ट्री। तो ये है पौड़ी, चढ़ते हैं ऊपर, बस पहुँचने वाले हैं। ये रहा हम लोगों का फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
तो आप देख सकते हैं सब बंदे यहाँ पर काम करते हैं। अभी लगभग टाइम 2 बज रहा है, तो खाना वाना खा के बंदे सब आराम कर रहे थे। 1 से 2 लंच होता है, तो लंच करके अभी कोई कोई बंदे सब बैठा है फैक्ट्री में, मशीन में अपना अपना। गाइस तो 250 से 300 बंदे के आसपास है इस फैक्ट्री में, सभी बंदे काम करने वाले हैं। यहाँ पर यही पैंट शर्ट जैकेट यही सब बनता है इस फैक्ट्री में, जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं इतने बंदे काम करते हैं, तब जाके हम लोगों को काम मिलता है भरपूर। तो यह है पूरा फैक्ट्री हम लोगों का। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। इसी तरीके का नया नया ब्लॉग आपको देखने को मिलता रहेगा। यह है चिवंटू लाल प्रसाद यादव, यह है मेरा चेलवा साहब, सब काम कर रहे हैं अभी झंडू बम साहब। तो गाइस तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही नए नए ब्लॉग की वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे।